रियल एस्टेट सेक्टर सेंटीमेंट्स के भरोसे चलता है। देश में पिछले साल पूर्ण बहुमत वाली मोदी सरकार के कामकाज संभालने के बाद तमाम उद्योगों की तरह रियल एस्टेट सेक्टर को भी सरकार से बड़ी उम्मीदें थी। अब एक साल बीतने के बाद रियल एस्टेट सेक्टर का रिपोर्ट कार्ड भी सामने है, तो देखते हैं कैसा रहा रियल एस्टेट के लिए मोदी सरकार का पहला साल इस खास रिपोर्ट में। सरकार के पहले साल से नाखुश प्रॉपर्टी बाजार, ग्राहकों को नहीं मिल रहा वक्त पर पजेशन, डेवलपर्स हैं सुस्त बिक्री से परेशान। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने सत्ता में एक साल पूरा कर लिया है। एक साल पहले जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो रियल एस्टेट सेक्टर को उम्मीद थी कि अब प्रॉपर्टी मार्केट के अच्छे दिन आने से कोई नहीं रोक सकता। बातें बहुत हुई और ऐलान भी काफी ज्यादा हुए, लेकिन अगर नहीं हुआ तो बस कोई काम। सरकार ने जितने ऐलान किए हैं और जिस हिसाब से काम शुरू हुआ है उसका नतीजा आने में वक्त तो लगेगा ही। नतीजों के आने में लगेंगे 2 से 3 साल। सरकार ने पिछले बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए काफी सारे ऐलान किए थे। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी सरकार एकदम तैयार है, लेकिन इन दोनों ही कदमों का नतीजा आने में कम से कम 3 साल लगेंगे और तब अच्छे दिनों की शुरुआत हो सकती है। इसका मतलब ये भी हुआ कि ओवर सप्लाई और मंदी के इस माहौल में मकान की कीमतों में इतने वक्त तक बढ़ोतरी नहीं होगी। मार्केट में पैसा ही नहीं है इस काम के लिए। नंबर 3 बात यह है कि लोगों का अब रुझाव स्टॉक मार्केट में जा रहा है इस मार्केट के अलावा। पहले कुछ बड़ा आर्टिफिशियल तरीके से रेट बढ़ते गए, अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता। अगर बढ़ने का सवाल नहीं उठता तो नए लोग इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते। अभी तो काफ़ी 3-4 साल तक को रेट नहीं बढ़ेंगे, और इसका मतलब ये कह सकता है इनडायरेक्टली इन द सेम लैंग्वेज यू कैन से कि 3-4 साल तक यू डोंट सी दैट मार्केट इज गोइंग टू गो अप इन अ वेरी बिग वे। जमीन अधिग्रहण बिल के लटके होने से भी कई परियोजनाओं पर काम वक्त पर शुरू होने की उम्मीद नहीं है। जमीन अधिग्रहण बिल, यूपीए 2 ने लैंड बिल का ड्राफ्ट तैयार किया था। इसके बाद एनडीए सरकार ने जमीन अधिग्रहण बिल के ड्राफ्ट में कई बदलाव किए, लेकिन अभी भी ये बिल कानून की शक्ल अख्तियार नहीं कर पाया है। मोदी सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की सफलता इस बिल के सहारे टिकी हुई है। इस पर भी सरकार ने सुस्त रवैया ही अपनाया हुआ है। 2022 तक सबको मिलेगा घर, सरकार की एक बहुत बड़ी और अति महत्वाकांक्षी योजना। अगर ईमानदारी से इस पर अमल हुआ तो इस देश में कोई बेघर नहीं रहेगा। रियल एस्टेट डेवलपर्स के पास भी भरपूर काम होगा, लेकिन इस योजना पर सिर्फ और सिर्फ ऐलान हुआ है। एक साल में इस योजना पर सरकार ने एक कदम भी नहीं बढ़ाया है। सच्चाई ये है कि अगर रोजाना 35,000 घर बनाए जाएंगे तभी ये लक्ष्य पूरा हो सकता है। 2012 में खत्म हुई 11वीं पंचवर्षीय योजना में भी 5 साल में महज 12 लाख घर बनाए जा सके थे। सरकार की कई बड़ी घोषणाओं में से एक थी 100 स्मार्ट शहर बनाना, स्मार्ट सिटी मिशन। देश भर में 100 स्मार्ट सिटी बनाए जाने की योजना का ऐलान भी एक साल पहले हो गया था, लेकिन कैसे होंगे स्मार्ट शहर, किस शहर को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा और किस आधार पर स्मार्ट सिटी के लिए किसी शहर का चुनाव होगा, ये सब कुछ भी अभी तक साफ नहीं है। रियल एस्टेट बिल, जीवन भर की जमा पूंजी एक अदद घर की खातिर हर एक आम इंसान डेवलपर्स के हवाले कर देता है। डेवलपर्स पैसा इकट्ठा करके उसका इस्तेमाल मनचाहे तरीके से करते हैं। उस पैसे का इस्तेमाल हर जगह होता है, बस नहीं होता तो घर बनाने में। रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल का ड्राफ्ट भी यूपीए 2 के जमाने में बनकर तैयार हो गया था। एनडीए ने इसमें कुछ बदलाव किए, लेकिन अभी तक भी ये बिल कानून बनने से कोसों दूर है। इसके साथ ही प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए मिलने वाली मंजूरियों में लगने वाले वक्त को भी घटाने की बेहद जरूरत है। रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे ज्यादा काले धन का इस्तेमाल होता है, इसे रोकने के लिए सरकार ने अब कमर कस ली है, लेकिन इस पर भी सरकारी रवैया बेहद ढीला ढाला है।
भ्रष्टाचार रोकने पर हो ध्यान। चुनावों में बहुमत मिलने की एक बड़ी वजह भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का वादा भी था। लोकपाल बिल का वादा किया गया था, एक साल बीत गया, लोकपाल लाना तो दूर, सरकार ने इस बारे में जिक्र तक करना बंद कर दिया है। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर को पारदर्शी बनाना और इसके जरिए आम आदमी को घर मुहैया कराना एक बड़ी चुनौती साबित होगा। अब जरूरत इस बात की है कि सरकार योजनाओं पर तेजी से काम करे और वादों और बातों को अमल में लाकर रियल एस्टेट ही नहीं देश की सूरत संवारने पर जोर शोर से काम करे। आदित्य केराना, दिल्ली आज तक।